सो गाइस डेली लाइफ में कोई ना कोई मुझसे डेली ये क्वेश्चन जरूर करता है कि सर कैसे हम बना सकते हैं यूट्यूब पे पैसे, क्योंकि गाइस सबको ये चीज पता है कि एड से तो पैसे कमाए जा सकते हैं बट इसके अलावा कौन से टेक्निक्स हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इवन गाइस बहुत लोग ऐसा भी पूछते हैं कि बिना वीडियो अपलोड किए हम कैसे पैसे बना सकते हैं ऑन यूट्यूब। तो इसके लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं जो आप देख सकते हो, जहां मैंने बताया है कि बिना वीडियो अपलोड किए आप पैसे भी कमा सकते हो ऑन यूट्यूब। तो आप इस वीडियोस को जाके जरूर चेक करो ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, जहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि आप ऑनलाइन में अर्निंग कैसे कर सकते हो एंड अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो प्लीज क्लिक करो सब्सक्राइब के बटन को और हिट करो बेल के आइकन को, लाइक करो इस वीडियो को। चलते हैं आगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I am G and I am the best in the world and you are watching Online Money. As usual, please hit the like button to appreciate me guys and इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से तरीके जहां से आप पैसे बना सकते हो ऑन YouTube। तो ऐसे पांच तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप बना सकते हो बहुत ज्यादा पैसा ऑन YouTube। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज कॉल्ड जनरेट लीड्स। तो गाइस जनरेट लीड्स क्या है? गाइस देखो, अगर आप यूट्यूब पे हो इट मींस कि आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे टीचिंग का प्रोफेशन हो, चाहे आप कुकिंग के प्रोफेशन में हो, चाहे आप फैशन के प्रोफेशन में हो, चाहे आपको बाइक चलाना अच्छा लगता हो, चाहे आपको फोटोग्राफी का शौक हो, तो ये सब जो चीजें हैं, जो आपका हॉबी है, जो आपका इंटरेस्ट है, तो आप इन सभी चीजों को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके लिए लीड जनरेट कर सकते हो। इट्स मीन कि उसके लिए कस्टमर जनरेट कर सकते हो थ्रू योर वीडियोस एंड थ्रू योर टैलेंट जो आप ऑन यूट्यूब शो कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं इनका यूज करके आप लीड जनरेट करो और अपने बिजनेस से पैसे कमाओ। तो सबसे पहला तरीका ये है। सो गाइस जो दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। आई नो यू नो अबाउट दिस क्राउड फंडिंग। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत पॉपुलर चैनल्स हैं जो क्राउड फंडिंग इस समय ले रहे हैं, लाइक आप भक्त बैनर्जी एंड ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप ये चीज समझ सकते हो कि वो क्राउड फंडिंग लेते हैं एंड अपने चैनल्स को ग्रो करते हैं। और ऐसे एक नहीं और अनेक चैनल हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं और अपने काम को और आगे अपग्रेड करते हैं लोगों के लिए एंड लोगों की भलाई के लिए वो काम करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई सोशल चैनल बनाने का सोच रहे हो जहां आप लोगों की हेल्प करोगे या किसी कम्युनिटी को हेल्प करोगे या किसी रिलीजन को हेल्प करोगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोगों से क्राउड फंडिंग करवा सकते हो एंड वहां से उनका पैसा लेके अपने चैनल को अपग्रेड कर सकते हो एंड उससे ही एक अपनी इनकम भी बना सकते हो और प्लस लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है। सो गाइस जो तीसरी चीज है गाइस दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। गाइस सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन से पैसा अर्न करना चाहते हैं और लिमिटेड पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो ऑन Amazon, और फिर मैंने बताया है कि आप कैसे बिना वीडियो अपलोड किए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये दोनों वीडियो को आप जाके देख सकते हो एंड ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एफिलिएट मार्केटिंग में। इवन ये दोनों वीडियो फ्री है, मतलब आपको यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको बस कुछ ट्रिक्स यूज करनी है और आपका एफिलिएट जर्नी स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा एफिलिएट कर सकते हो। और YouTube के जरिए तो आप बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। सो गो एंड वॉच दिस टू वीडियो। So guys, and the fourth is action. Yes guys, action के बारे में आपने सुना होगा, Google Adsense। तो Google Adsense क्या करता है, जैसे कि वीडियो चल रही है या इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के शुरू में या इस वीडियो के बीच में एक एड आएगा गाइस। जब आप उस एड को देखते हो इट्स मीन कि मुझे कुछ पैसे जनरेट होते हैं, हालांकि मैं पैसे अभी तक YouTube से नहीं लेता हूं बट कुछ पैसे जनरेट होते हैं और ये पैसे आपके बैंक में पहुंच जाते हैं थ्रू Adsense अकाउंट। तो ये जो चीज है ये प्रोवाइड करता है गूगल, और ये जो गूगल और यूट्यूब मिलकर ये सारा काम करते हैं और जितनी भी आप वीडियोस बनाते हो और उसमें जितने भी आपके एड्स चलते हैं आपके वीडियो पे उसका कुछ रेवेन्यू आपको मिलता है एज ऑल योर हार्ड वर्क। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो गाइस लास्ट इन द लिस्ट फिफ्थ वो चीज है गाइस जिससे बड़े बड़े यूट्यूबर आज पल रहे हैं, जी रहे हैं, मैं अभी ऐसा बोल सकता हूँ, बिकॉज जो अपना एडसन का कमाई है जो सिर्फ एड से आता है वो इतना ज्यादा नहीं आता है इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया में जैसे कि एड जो होते हैं वो एक सही टारगेट
YouTube वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो हमें इतना ज्यादा पे नहीं करते हैं, बट बाहर फॉरेन में यूएस में वहां बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है एडसेंस से। इवन 10,000 पर मंथ लोग कमाते हैं जिनका चैनल सिर्फ 50,000 या 40,000 या 30,000 सब्सक्राइबर से भरा पड़ा है। बस इतने ही सब्सक्राइबर लेके वो $10,000 पर मंथ कमा लेते हैं। और इवन इन इंडिया कि आपके पास 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर भी हैं तो आपको 10 लाख या 5 लाख या 6 लाख रुपए कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख या उससे भी कम अर्निंग आपकी होती है। तो इस कंडीशन में सबसे जो सही चीज है जो हमें हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड वीडियो। चाहे BBQ Wines हो, चाहे अमित बडाना हो, चाहे टेक्निकल गुरुजी हो, चाहे आपके इंडिया में कोई भी, मतलब जो हमारा पूरा इंडिया है इसमें कितने भी बड़े कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेगा तो उसका जो जीवन शैली है वो ऑन यूट्यूब में आके फंस जाएगा। बिकॉज आज जो है एक ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब का, सब कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, बट यूट्यूब का जो मेन रेवेन्यू है इस समय दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड वीडियो। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो बिलीव मी आप यूट्यूब में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्पॉन्सरशिप ही वो चीज है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा सकते हो, मतलब 5 लाख 6 लाख रुपए पर मंथ। अगर आप किसी ब्रांड के साथ भी कोलैब करते हो वो भी एक स्पॉन्सरशिप में ही आता है, तो वो भी आपको काफी अच्छा खासा रिकरिंग पेमेंट दे सकता है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जो आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं ऑन यूट्यूब। बट अब मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। आजकल क्या होता है, हर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके पास लाख और मिलियन के सब्सक्राइबर हो, तो उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसको एफिलिएट मार्केटिंग चाहिए, उसको एडसन से पैसे चाहिए, मतलब हर तरीके से उसको पैसे चाहिए। बट पॉसिबल नहीं है कि सबको हर तरह से पैसे मिले, तो आपको इस 5 में से कोई एक चीज को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, इसमें से कुछ भी एक आपको पकड़ना है और उस पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। गाइस देखो, टेक्निक्स बहुत सारी है अर्निंग की, लेकिन आपको किसी एक को पकड़ के चलना है तभी आप अर्निंग कर पाओगे। चाहे आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर भी रहेंगे तो अगर आप एक किसी चीज में उस्ताद हो तो आप आराम से उस चीज से अर्निंग कर लोगे। तो बिलीव मी, गो विथ 1 थिंग एंड मेक लॉट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।